हाय गाइस, वेलकम बैक माय चैनल जी गोस्वामी फैशन। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, फिर लाइक कीजिए, फिर कमेंट्स कीजिए। जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं तो थैंक यू सो मच, आगे भी सपोर्ट इसी तरह करते रहिएगा। और आज मैं जो वीडियो बनाने वाली हूँ वो शायद आपको टाइटल और थंबनेल से पता चल ही गया होगा, फिर भी मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देती हूँ कि कैसे मैं यूट्यूब वीडियो बनाती हूँ, किन इंस्ट्रूमेंट का मुझे ज़रूरत पड़ता है, कौन से कैमरा यूज़ करती हूँ, कौन सा ट्राइपॉड यूज़ करती हूँ, वो सारी इन वीडियो में मैं डिटेल्स आपको शेयर करूँगी। तो वीडियो को आगे ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि मैं लगातार वीडियो बनाकर YouTube पे अपलोड कर रही हूँ और मेहनत भी कर रही हूँ, और मैं आज जिस विषय पे बात करने वाली हूँ ये है कि मैं किस इंस्ट्रूमेंट से, किस चीज़ों से मैं वीडियो शूट करती हूँ, किन किन चीज़ों का उपयोग करती हूँ, किन चीज़ों की आवश्यकताएं पड़ती है, क्या ये सारे इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। और यदि आप बिगनर हैं, आप YouTube चैनल बनाने का सोच रहे हैं, तो शायद ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। और जैसा कि मैं क्या यूज़ करती हूँ वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि जब मैं YouTube चैनल बनाना स्टार्ट की थी तो उस टाइम पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ D5600 निकॉन का कैमरा था, और उसके बाद आईफोन था और एंड्रॉइड फ़ोन था, ये मात्र तीन इंस्ट्रूमेंट हमारे पास थे। लेकिन इन सब चीज़ों को क्रिएट करने के लिए मुझे थोड़ी थोड़ी सामान की ज़रूरत पड़ने लग गई थी, और मैं धीरे धीरे ऑनलाइन शॉपिंग की, जो कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट से ये सारी चीज़ों मैंने परचेज किया। तो सारी चीज़ें मैं एक एक करके मैं आपको दिखाऊंगी, शायद आपके पास होगा भी या नहीं होगा, या आप सोच रहे खरीदना, तो ये आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगा। जैसा कि आप जानते हैं कई कई बड़े बड़े यूट्यूबर हैं और उनकी वीडियो बेस्ट से बेस्ट होती है, वो काफ़ी मेहनत करते हैं, बहुत सामान लेते हैं, लेकिन हम लोग मतलब मैं खुद का बताती हूँ, मैं उतनी सामान खरीदी हूँ जितना कि फिलहाल मुझे ज़रूरत है। मैं जब यूट्यूब स्टार्ट की थी तो मुझे लगा था कि मैं बहुत जगह जाऊँगी, ट्रैवल क्योंकि मैं लिखी हुई हूँ, ट्रैवल मोटिवेशन मेरा अबाउट है, तो मैं चाह रही थी कि मैं बाहर जाऊँगी, बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूब का ब्लॉग बनाऊँगी। बट ऐसा लॉकडाउन हुआ और हम लोग घर में पैक हो गए और मेरे चैनल का जो रुख था वो चेंज हो गया। मैंने थोड़ा बहुत घर का ब्लॉग बनाना शुरू किया और घर के किचन के जो रेसिपी होते हैं वो मैंने शेयर करना शुरू किया। लेकिन जैसा भी था, सपोर्ट आप लोगों का मिल रहा है और मुझे विश्वास है आगे भी मिलेगा। तो जैसा कि मैं बात कर रही थी, यूट्यूब वीडियो किस चीज़ से बनाते हैं और किस चीज़ से रिलेटेड हमारा वीडियो होता है। तो चूँकि जब मैं स्टार्ट की थी तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ कैमरा था, मोबाइल था, बट उसको एक्सटेंड करने के लिए मुझे काफ़ी मशक्कत करना पड़ता था, तकिए के नीचे रखती थी, विंडो पे रखती थी, लेकिन वो वीडियो सही नहीं होता था। तो बाद में हमने स्टार्ट किया ट्राइपॉड से। तो ये हमारा ट्राइपॉड है, आप देख सकते हैं, ये जेब्रा ट्राइपॉड है और ये हम मैंने ली है अमेजोन से, और इसकी जो प्राइस की मैं मेंशन कर दूंगी, लिए हुए 5-6 मंथ से ऊपर हो गया है, और इस पर आप मोबाइल लगाते हो और जैसे भी एंगल आप उसको क्रिएट कर सकते हो। तो ये ट्राइपॉड हमारे लिए काफ़ी बेस्ट था, क्योंकि मैं जब केदारनाथ गई थी तो ये ट्राइपॉड हमारे साथ गया था। तो ये ऐसे आप इसको स्क्रॉल कर सकते हो और इसे कोई भी ग्रिल में आप यूं ऐसे ऐसे करके फंसा के, ये सपोर्टिंग रहता है, आप कोई भी इसमें कैमरा भी सेट होता है, मोबाइल भी सेट होता है, और ऐसा नहीं है कि आपका मोबाइल इसमें से गिर जाएगा या कैमरा गिर जाएगा। मैं सब काफ़ी यूज़ की हूँ तो मैं अपनी एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। ये ट्राइपॉड काफ़ी अच्छा था, तो आप यदि यूट्यूब बिगनर हैं तो आप इसे ले। तो हमारे पास है आईफोन स्मार्टफोन, जिसका
वीडियो एकदम क्लियर आता है, इसकी वीडियो क्लियर और क्वालिटी भी बहुत बेस्ट होती है, एचडी क्वालिटी में होती है। तो मैं छोटा छोटा जो शॉर्ट होता है, तो मैं जो घर का ब्लॉग होता है या फिर मैं कहीं जाती हूँ तो मैं इस फ़ोन से बनाती हूँ, और एडिटिंग जो होता है फिल्मोरा ऐप से करती हूँ। तो ये था हमारा, और आईफोन का खुद का एक आई मूवी है, मैं उसका भी इस्तेमाल लगातार करती हूँ। तो ये आपके पास यदि आईफोन है तो काफ़ी अच्छा वीडियो आपका आएगा, और एकदम छोटी छोटी चीज़ें जो है उसको आप बहुत अच्छे से कैप्चर करते हो। तो आईफोन का इस्तेमाल मैं लगातार अपने वीडियो में करती हूँ, इसकी वीडियो क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है और पिक्चरें भी बहुत अच्छी होती है। तो जहाँ पे मैं कैमरा इस्तेमाल नहीं करती हूँ वहाँ पे मैं आईफोन यूज़ करती हूँ। और जहाँ पे क्या होता है ना कि लंबा वीडियो मैं कहीं पे भी नहीं बनाती हूँ, छोटा छोटा बनाती हूँ, उसको एडिट करके मिक्स करती हूँ। तो मेरे पास मैं दो फ़ोन यूज़ करती हूँ। तो ये हमारा बहुत पहले का फ़ोन है जो कि सैमसंग A70 है, मैं इससे भी ब्लॉग शूट करती हूँ क्योंकि इसमें मुझे थोड़ा सा कैपेसिटी बहुत अच्छा लगता है कि लॉन्ग वीडियो हो तो मुझे थोड़ा सा ये कंफर्टेबल यूज़ होता है, रफ़ यूज़ करने के लिए मैं इसको रखती हूँ। तो मेरे पास इसमें भी कई ऐप हैं, जैसे कि आप पिक्सल लैब भी यूज़ कर सकते हैं थंबनेल बनाने के लिए, कई ऐसे ऐप्स आ चुके हैं जिसको थंबनेल बनाने में, क्रिएट करने में आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा, और काइंड मास्टर भी आपको ऐप यूज़ करने के लिए काफ़ी अच्छा होगा। तो मैं इससे भी अपना वीडियो बनाती हूँ, तो मेरे लिए ये भी बेस्ट पार्ट है मेरे यूट्यूब में हेल्पफुल बनाने के लिए। तो आप एंड्रॉयड मोबाइल से भी अपना ब्लॉग शूट कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं रिंग लाइट जो यूज़ करती हूँ, ये हमारा रिंग लाइट है, और मैं इसको फ्लिपकार्ट से या फिर अमेजोन से, क्योंकि 6 महीने पुराना हो गया तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि कहाँ से मैं ली हूँ, बट इन दोनों से ही मैं ली हूँ, फ्लिपकार्ट या अमेजोन, और आपको दोनों पे ही मिलेगा, बेस्ट ऑप्शन है, आप एकदम से अच्छा ले सकते हैं, ख़राब तो नहीं लीजिएगा, क्योंकि ये क्या होता है ना कि आपको बहुत यूज़ आता है। तो ये फ्लेक्सिबल है, आप छोटा बड़ा कर सकते हो आराम से, और ये छोटा भी हो जाता है और ये बड़ा भी हो जाता है, तो जैसा जिस पॉइंट पे आप चाहते हो वैसा आप बना सकते हो। इसकी खासियत ये है कि आप इसमें मोबाइल भी अटैच करके आप जैसे रील बनाते हो, इंस्टा का रील बनाते हो, तो इसमें आपके कई चीज़ हैं, ये इंस्ट्रूमेंट है जो कि आप यहाँ पे फंसा के आराम से इस पर आप मोबाइल फंसा लेते हैं और रील बनाते हैं। तो रिंग लाइट, आप एक यूट्यूबर क्रिएटर हैं तो आपके पास रिंग लाइट होना ही चाहिए, आप एक रिंग लाइट तो ज़रूर अफोर्ड कीजिए, क्योंकि मैं भी कर रही हूँ। ये बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, मैं आई थिंक 1600 से 1700 का ये रिंग लाइट है, और काफ़ी यूजेबल है, और बहुत दिनों से यूज़ कर रही हूँ, ये ऐसा नहीं कि ख़राब भी नहीं हुआ है। तो आप तो 1600 इन्वेस्ट करते हो तो एक अच्छा वीडियो आपको बनता है। ये गाइस हमारा ये कैमरा है D5600,
यदि अगर आप कैमरा लेने का सोच रहे हैं तो आप ये कैमरा खरीद सकते हैं। जब मैं ली थी इस कैमरे को तो आई थिंक मुझे 80,000 अप्रोक्स पड़ा था और लिए हुए मुझे 2 साल से ऊपर हो गए और इसकी फोटो बहुत अच्छी आती है और आप लेंस बदल के बहुत अच्छे अच्छे क्रिएटिव फोटो ले सकते हो। तो ये हमारा है, ये लेंस बेसिक है और ब्लूटूथ कनेक्टिंग है और वाईफाई कनेक्टिंग है और बहुत सारे इसमें आप इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हो, वॉइस रिकॉर्डर कर सकते हो, कई चीजें हैं जो कि मुझे भी अभी तक बहुत ज्यादा चीज नॉलेज नहीं है। ये हमारा एक नया लेंस है जिसको लगाकर मैं दूर का वीडियो शूट करती हूँ। और यदि आप बिगिनर हैं यूट्यूब पे ब्लॉग बनाने के लिए, यदि अगर अच्छा कैमरा लेना सोच रहे हैं तो निकॉन आप सजेस्ट मैं करूंगी कि आप निकॉन खरीद सकते हो। तो ये था हमारा यूट्यूब का वीडियो बनाने का सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट जो कि ये है हमारा निकॉन का कैमरा। तो ये था हमारा निकॉन का कैमरा। अब तक का मैं जितना भी कैमरा क्वालिटी वाला वीडियो आपको अलग से दिख जाता है, तो जितना भी अगर आप मेरा देख रहे होंगे कैमरा क्वालिटी वाली वीडियो है तो मैं निकॉन कैमरा से बनाती हूँ। गाइस, तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट्स में जरूर बताइएगा और आई होप हमारा वीडियो आप लोग यदि अगर बिगनर हैं यूट्यूब चैनल पे क्रिएटर हैं तो थोड़ा बहुत मदद जरूर मिल जाएगा। और ये हमारा इंस्ट्रूमेंट था जो कि जिससे मैं अपना वीडियो यूट्यूब के लिए बनाती हूँ। यदि आपके पास यदि कोई अच्छा सजेशन हो तो प्लीज़ मेरे कमेंट्स में दीजिएगा और नए वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। मैं तब तक के लिए घर पर रहिए, सेफ रहिए, मैं जल्दी ही आप लोगों के नई वीडियो के साथ मौजूद होंगी।